अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो बबीता जी, आज मदर्स डे है ना, तो हम सब आपको विश करने आए हैं। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। आए दीदी, आप तो जगत माता हो गई। ई लीजिए, हम आपके लिए केक लाए हैं। थैंक यू। नई नवेली मदर इन लॉ को हैप्पी मदर्स डे। ये फूल और मावा केक मेरा आइडिया था। हम सोसाइटी की औरतों की तरफ से आपके लिए एक सप्रेम भेंट। इश्का, तो वैसे आपका सपना था ना विराट की शादी करवाना। लो, आज आपका सपना पूरा हो रहा है, इसलिए आपको केक खाना नहीं बल्कि बंटवाना चाहिए, है ना? अमृता, सौतेली बेटी अपने सौतेली माँ को मदर्स डे विश नहीं करेगी? करूंगी ना, जरूर करूंगी। माँ का दिन जो है, विश करना तो बनता है ना। माँ, हैप्पी मदर्स डे। आई क्या लड्डू बनाए हैं, अमेजिंग। क्या लड्डू बनाए मैंने, बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छे लड्डू हैं। अरे पंडित जी आइए ना, बैठिए जी, बैठिए। अमृता जी, आपकी और वर की कुंजली दीजिए। विराट सर की कुंडली दे देंगे? कुंडली हम नहीं देंगे, क्या कर लेंगे? क्या ही कर लूंगी, बड़ी हैं आप मुझसे, बहस तो नहीं कर सकती, किसी और से मांगूंगी। विराट सर, विराट सर, हाँ, क्या कर रहे हैं? आपने कल सबके सामने मुझे प्रपोज कर दिया तो सब मान गए, लेकिन आज शादी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा ना, और पंडित जी को ऐसे वेट कराना, उनका टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। आप अपनी कुंडली लेकर आइए। अमृता जी, जी आपकी भी जन्म पत्रिका लगेगी। जी जी। बैंकर, अब और कुछ भी चाहिए तुम्हें? फिलहाल तो नहीं। विराट, मॉम सॉरी। ये होता है छप्पर फाड़ कर मिलना, लॉटरी की टिकट खरीदने पर करोड़पति हो जाना। गुड जॉब भवानी, गुड जॉब, गुड जॉब। तुमने अपनी जिंदगी भर कुछ नहीं किया ना। बेचारा जयेश, खून पसीना बहाकर इसे पढ़ाया, MBA करवाया, और ये है कि इंडिपेंडेंट बनने के बजाय अपनी माँ की तरह बन रही है, मुफ्तखोर। शादी के बाद तो ये भी वही करेगी ना, घर पे बैठ के खाएगी और अपने पति के पैसे उड़ाएगी। इसलिए इन शॉर्ट, ये प्यारी दुल्हन नहीं, लुटेरी दुल्हन है। वेरी वेल डन।
तुम बोल रही हो? आईना नहीं है तुम्हारे घर पे? ऑफ कोर्स है, रोज मुझे यही कहता है कि उसे मुझ पर नाज है, क्योंकि शादी के बाद मैंने अपने इंटीरियर डिजाइन का काम नहीं छोड़ा। तुम्हारी माँ की तरह घर पे बैठ के जयेश के पैसों पर मुफ्तखोरी नहीं की है मैंने। But I understand, it's okay. भवानी गांव की गवार, अनपढ़ बेचारी सी औरत है ना, उसे कुछ आता भी नहीं है, कुछ करने के लिए टैलेंट भी तो चाहिए, इसलिए इसने अपनी बेटी का टैलेंट इस्तेमाल करके अपने लिए एक नोट छापने की मशीन वाला दामाद ढूंढ कर। I'm so sorry, फंसा कर। तुम्हें लगता है मेरी आई ने कभी बाहर जाकर नौकरी नहीं की, पैसे नहीं कमाए तो कुछ नहीं किया? ऐसा मुझे लगता नहीं है अमृता, ऐसा है, it's a fact. अच्छा, एक बार अपने पति से पूछना, सुबह जो नाश्ता बनाकर खिलाते हैं ना, वो किससे सीखा है? चुप हो, इसका मतलब जवाब पता है, सबके सामने कहना नहीं चाहती। यही नहीं, नीचे किराने की दुकान वाले रहीम काका भी कह रहे थे कि बाबा ने उनसे पूछा कि आई दाल के तड़के में कौन सा मसाला डालती है, और जोशी आंटी भी बता रही थी कि बाबा उनसे आई के हाथ के करेले की सब्जी की रेसिपी मांग रहे थे। हाँ हाँ, भवानी ने ही तो सिखाई है हमें वो डिश। मैं चूल्हे चौके की बात नहीं कर रही हूँ अमृता, बाहर कदम नहीं रखा है तुम्हारी आई ने आज तक, कोई काम कोई बिजनेस नहीं किया है, इसलिए ये औरत यूजलेस। यूजलेस तुम हो। तुम्हें लगता है घर संभालना कोई काम नहीं होता? बाहर जाकर नौकरी करना बहुत महान काम होता है, तो ठीक है, मेरी आई वो भी करके दिखाएगी, 12 घंटे के अंदर पैसे कमा कर दिखाएगी मेरी आई। What? How? How? पंडित जी, 12 घंटे में शादी का मुहूर्त निकल जाएगा ना? जी बिल्कुल। तो फिर तय रहा, 12 घंटे के बाद जब कुंडली मिल जाएगी और मेरी शादी का मुहूर्त तय हो जाएगा, तब मेरी आई के हाथ में उसके कमाए हुए पैसे होंगे, जो वार दूंगी तुम पर। इसकी बेटी की शादी है ना, तुम्हारा बख्शीश तो बनता है ना? अलार्म लगा लो, 12 घंटे के बाद भवानी चिटनिस की पहली कमाई आने वाली है। चलाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।